भाई 6 महीने है तेरे पास, रियलिटी बता रहा हूँ। या तो इन 6 महीनों को एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके जेई मेन 2025 में 99% ले आ, या तो जैसे तूने 1.5 साल वेस्ट कर दिया वैसे ही वेस्ट कर दे। अभी भी टाइम है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने है तेरे पास। जो मैं इस वीडियो के अंदर रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सीरियस होके उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ पीडीएफ दे रहा हूँ उसके क्वेश्चंस करता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ जेई मेंस 2025 में 99% से आराम से ऊपर ले आया। सो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं आईआईटी जेई के लिए मेंटोर कर चुका हूँ। इस साल हमारे 350+ स्टूडेंट्स का आईआईटी और एनआईटी में सिलेक्शन हुआ है मेंटोरशिप बैच के। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, देखो जुलाई का महीना आ गया, अपने पास पूरे 6 महीने। तो बच्चे अभी भी उससे पूछ रहे हैं, भैया क्या हम आज से पढ़ के जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में 99% ला सकते हैं? इसका सिंपल आंसर है हाँ ला सकते हो, बट गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें, अगर तुम इस वीडियो को फॉलो करते हो आज से, जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं उसको फॉलो करते हो, और मुझे तुम्हारी तरफ से कमिटमेंट चाहिए, अभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया आई विल क्रैक जेई मेंस विद 99%। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है, और एक ना पेन नोटबुक ले लो ताकि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर सको, ताकि वीडियो को देखने का भूलो ना। बच्चे 10 स्ट्रेटजी वीडियो देखते रहते और फॉलो एक भी नहीं करते, तो इसको फॉलो कर रहे हैं इसलिए नोट डाउन करो और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एक रिसोर्स वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा जिससे श्योर शॉट क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो हर चैप्टर के बहुत सही कॉन्फिडेंस आए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के लिए कैसे हमें मतलब 240+ कैसे टारगेट करना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एक बूस्टर पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होंगे, और एक रिसोर्स भी प्रोवाइड करूंगा जहां से आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, अपने पास ना 2 अटेम्प्ट है, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट। इस वीडियो को देखने के बाद ये बात अपने दिमाग से निकाल लो कि आपके पास 2 अटेम्प्ट, आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं देखो ध्यान से, देखो मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं ना जनवरी अटेम्प्ट तक उनका 60% सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है, तो कॉम्पिटिशन और कट ऑफ भी कम होती है फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ना 200 मार्क्स पे इजीली आपकी 99% बन जाएगी। वहीं सेकंड अटेम्प्ट में आपको 240 तक स्कोर करना पड़ेगा, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई होता है सेकंड अटेम्प्ट, बिकॉज बच्चे ड्रॉपर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं सेकंड अटेम्प्ट। तो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट है। और एक और फायदा है देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो 99% से ऊपर ले आते हो, उसके बाद अपना पूरा फोकस जेई एडवांस पे आप दे सकते हो, आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा, और जो क्लास 12th वाले बच्चे वो बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको पता होगा आजकल क्या हो रहा है, बच्चे लास्ट तक जेई की प्रिपरेशन करें, जेई में उनकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है, अच्छी रैंक आ जा रही है, बट बोर्ड्स के अंदर उनकी 75% नहीं आ पा रही, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। तो बोर्ड्स के लिए भी आप पे इनफ टाइम होगा। तो इस वीडियो के अंदर ना एक रिसोर्स भी प्रोवाइड करूंगा जिसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा हर एक चैप्टर। तो देखो मैंने क्या करा, लास्ट 5 साल के जेई मेंस के जितने भी पेपर्स हैं अच्छे से एनालाइज करें, तो एक चीज हमने देखी कि एनटीए ना बार बार मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ लिमिटेड चैप्टर से पूछ रहे हैं। हमें पूरे सिलेबस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, आराम से आप 99% ले आओगे। देखो 6 महीने हार्डवर्क करके आपकी अच्छी रैंक नहीं आने वाली, स्मार्टली हमें तैयारी करनी है। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाले हैं हर एक सब्जेक्ट के, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फिजिक्स के लिए कौन कौन से चैप्टर हैं, यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर हो गया, काइनेमैटिक्स ग्रेविटेशन, ये मैंने आगे वेटेज दे रखा है कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाए, अपना थर्मोडायनेमिक्स केटी हो गया जिससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्टिक्स हो गया इसमें रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, उसके बाद अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर, 2 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी चैप्टर है ये कर लेना, और अपना सबसे इजीएस्ट पार्ट दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को हमें अच्छे से करके एक रिसोर्स में आपको बता रहा हूं, ये ना हमारी रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज है जिसे कोटा के बेस्ट टीचर्स ने पिछले 1 साल में डिजाइन करा है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हर एक चैप्टर के 60 से 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को टॉप मॉड्यूल्स एलएन के मॉड्यूल से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके इसमें टॉप क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के डाल रखे। जिस बच्चे ने इन क्वेश्चंस को कर लिया सच बता रहा हूं वो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, बहुत सही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसी एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर आपको फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट 700+ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
और रैंक बूस्ट की टेस्ट सीरीज में ना आपको फुल सिलेबस के 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जेईई मेंस और एडवांस के। तो एक ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना ताकि आप जेईई एडवांस तक इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। देखो ध्यान रहे, अगर आपका 99% टारगेट है जेईई मेंस में तो केमिस्ट्री पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज टाइम आपका कम जाएगा केमिस्ट्री में और इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री के लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल दिए, ये चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर होने चाहिए। तो सबसे पहला है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग करोगे तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ आए। उसके बाद आता है जीओसी आइसोमेरिज्म। इसी सीक्वेंस में आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स करने, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनोल ईथर और बायोमोलिक, इनसे ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के पेपर। उसके बाद आ जाते हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आ जाता है, पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, डीएफ ब्लॉक से 1 क्वेश्चन और अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशंस कर लेना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लेना, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। तो ये कुछ लिमिटेड चैप्टर्स है, इन्हें हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनकी बार बार रिविजन करनी है और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। देखो केमिस्ट्री के लिए सक्सेस मंत्र यही है, रेगुलर रिविजन। जितनी बार रेगुलरली आप रिवाइज करोगे किसी चैप्टर को, मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। तो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, भैया कोई ऐसा रिसोर्स बता दो ताकि हम शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें और किसी भी चैप्टर को 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ना रैंशो रिविजन के फ्लैश कार्ड आते हैं, इसमें हर एक चैप्टर और टॉपिक को कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। मतलब बड़े से बड़े चैप्टर को 3 से 4 कार्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, जिससे किसी भी चैप्टर को 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो, पूरे सिलेबस को कुछ घंटों में आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप रिवाइज करते हो तो लंबे टाइम तक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहेंगे जो आपके डायरेक्टली एग्जाम टाइम पे हेल्प करेंगे। सच बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज अगर मेरे टाइम पे होती ना, मैं शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करता ही नहीं, उससे रिवाइज करता और वही टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस में देता। तो जेन्युइनली मैं ये आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इसे कोटा की टॉप फैकल्टीज ने डिजाइन करा है इस तरीके से, ताकि बच्चे इससे रेगुलरली चैप्टर्स को रिवाइज करें और लंबे टाइम तक याद रख पाए। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का आता है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे मिल जाएगा, आप ले सकते हो। सो अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स के लिए हमें क्या करना है, लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है, बट इन चैप्टर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप कर दो। देखो आपको भी पता है मैथ्स कितनी डिफिकल्ट आ रही है जेईई मेंस में, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन चैप्टर्स के क्वालिटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज मॉड्यूल से लगाने पड़ेंगे। तो ये जो चैप्टर्स है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अगर आप लास्ट साल के एनटीए के जेईई मेंस के पेपर्स उठा के देखो तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स से आए हैं, तो हमें इन चैप्टर्स पे फोकस करना है, इसी सीक्वेंस में करना। सबसे पहला आता है सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, 3 से 4 क्वेश्चन तक इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट हो गया, कैलकुलस में कौन कौन से है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अपना इंटीग्रेशन दोनों, उसके बाद अपना डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद ये 3 चैप्टर्स है, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इनके क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉप जो 70 से 90 क्वेश्चंस है रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, वो टेस्ट अच्छे से दे देना। और अगर किसका सॉल्यूशन भी आपको चाहिए तो आपको सॉल्यूशन भी उसी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भैया टाइम टेबल बता दो अगले 6 महीने। देखो टाइम टेबल कोई भी फिक्स नहीं होता, हर एक स्टूडेंट अपना कोचिंग और स्कूल के हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज करता है, बट हाँ टाइम टेबल के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आपको फॉलो करनी है डेली। सबसे पहला पॉइंट, कोशिश करो मॉर्निंग में 2 घंटा डेली केमिस्ट्री रिवाइज करने की, बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन का केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री मेनली आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस मैकेनिज्म, इनको आप रेगुलरली आप मॉर्निंग में उठ के रिवाइज करो, इससे जो आपकी केमिस्ट्री है बहुत तगड़े लेवल पे स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टाइम कम है इसलिए एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो। इस 7 घंटे की 8 घंटे की सेल्फ स्टडी में आप इसे 4 आवर्स में डिवाइड करो और 3 आवर्स में, 4 घंटे आपको थ्योरी और नोट्स को रिवाइज करना है जो आपको कोचिंग में पढ़ाया और पुराने चैप्टर्स को आप रिवाइज कर सकते हो, और 3 घंटे डेली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बच्चे सिर्फ थ्योरी और नोट्स को ही रिवाइज करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर टाइम ही नहीं देते। अपना 3 घंटा फिक्स कर लो डेली का क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। और कम से कम 6 घंटे की आपको स्लीप लेनी है, स्लीप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, जब तक आप ढंग से सोओगे नहीं आपका फोकस नहीं बनेगा पढ़ने, ठीक है। तो 6 घंटे की रेगुलरली स्लीप लेनी है डेली, और 1 घंटा आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी,
इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में किसी भी टाइम कर सकते हो, 1 घंटा मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। और इवनिंग में मैंने बता दिया फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी। तो अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं। एक ना मैंने आपके लिए बूस्टर PDF बनाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है हर एक चैप्टर के पिछले 5 साल के जेईई मेंस के पेपर्स एनालाइज करें, इसको प्रिंट आउट पक्का निकलवा लेना। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हर चैप्टर के निकाल दिए, जिनसे 70% क्वेश्चन NTA पूछ रहा है बार बार। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडर्न फिजिक्स से 3-4 टॉपिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ऐसे ऐसे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते। वैसे पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स निकाल लिए। इस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दे। ये टॉपिक्स अगर आप करते हो तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत तगड़ा बूस्ट आएगा, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाए, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज में रैंक बूस्ट की प्रोवाइड करी है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना ताकि जेईई एडवांस तक आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। वीडियो एंड करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया आई विल फॉलो दिस वीडियो एंड स्कोर 99% इन जनवरी अटेम्प्ट अपना लास्ट अटेम्प्ट है, ये बात याद रख, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके लिए बहुत सारी चीजें अभी प्लान है इस चैनल पर।